Separate registration for multiple place of business within a state or union territory. Recent amendment, March 2019 का amendment है. हम लोग हिंदी से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा फिर लैच सिंह है. यदि एक पर्सन की एक ही स्टेट में सेवरल ब्रांचेज है तो वो चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है एंड चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है. यदि एक पर्सन की अलग अलग स्टेट में सेवरल ब्रांचेज है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. यदि एक पर्सन की एक ही स्टेट में सेवरल ब्रांचेज है लेकिन एक ब्रांच सेज में है और एक ब्रांच डीटीए में है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. वाओ वाओ आया मुंह से आया वाओ. मेरा तो अपने आप आता रहता भाई. कोई बोले ना बोले, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है. आओ. यदि एक पर्सन की एक ही स्टेट में सेवरल ब्रांचेज है एंड वो ब्रांचेज अमेंडमेंट आने के पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन में थी एंड अमेंडमेंट आने के बाद सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है या कराया गया है, इन सच केस आईटीसी, पहले तो सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो पहले तो आईटीसी एक ही रजिस्ट्रेशन के नाम पे थी, अब आपकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो गई. समझो मेरी हावड़ा में 5 सीट में एंड सपोज देयर इज पार्ट में 3 ब्रांचेस, तीनों कलकत्ता. तो पहले मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन ले रहा था हावड़ा में, फिर गवर्नमेंट ने हमें चॉइस दिया कि मुंद्रा जी आप चाहो तो 3 रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो. तो पता नहीं मुझे क्या चचा, मैंने बोला मैं 3 रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, हावड़ा 5 सीट देयर इज पार्ट. अब यदि मेरी 3 रजिस्ट्रेशन हो गई तो पहले तो एक ही था प्रयास हावड़ा, अब 3 आ गए, प्रयास हावड़ा, प्रयास देयर इज पार्ट, प्रयास 5 सीट. अब आईटीसी कैसे डिफ्यूज होगी? तो यहां पे इन्होंने किया, फिर से पढ़ता हूं. यदि एक पर्सन की एक ही स्टेट में सेवरल ब्रांचेज है एंड वो ब्रांचेज अमेंडमेंट आने के पहले सिंगल रजिस्ट्रेशन में थी एंड अमेंडमेंट आने के बाद सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराया गया है, इन सच केस आईटीसी कैन बी ट्रांसफर्ड टू दोज न्यू ब्रांचेज. इसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर्म ITC-02A भरना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन एंड न्यूली रजिस्टर्ड ब्रांचेस को उनके उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्वेश्चन आता है आईटीसी बटेगा कैसे, तो वो आपको आईटीसी चैप्टर में नजर आएगा, वहां पे दिया हुआ है. आईटीसी वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बढ़ जाएगा. कौन से रेशियो में बटेगा? वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो. उस एसेट्स पे आपने आईटीसी लिया था कि नहीं लिया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेट्स आईटीसी रेशियो में बढ़ जाएगा. ठीक है, पक्का? ये रजिस्ट्रेशन और आईटीसी का मर्ज टॉपिक है. इंडेक्स में जाइए, कॉपी में जाइए, लिखिए फटाफट. मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन सेम स्टेट. रेफर पेज नंबर 13.12 था क्या? 13.12. आप पेज नंबर 11.42 में जाइए. पेज नंबर 11.42. आ जाते 11.42 में. क्या बात यार, आ जाए. लो भाई, नए नए चीजें खुल जाती है. आपने वहां पे देखा 11.42 पेज नंबर में कि टाइटल चल रहा है ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस. नजर आ गया क्या? बस इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसे तो आप पढ़ने वाले हो नहीं. अ सेपरेट, साथ में हो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर
either wholly or partly the unutilized ITC lying in its electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registration ITC-02A electronically. ITC shall be transferred to newly registered entities in the ratio of value of asset held by them at the time of registration. आपने underline कर लिया value of asset held by them और आपने अपने index में इस page का reference दे दिया 11.42. ठीक है सब साथ में इंडेक्स में आप एकदम ऐसा मत सोचो कि एग्जाम के मोमेंट में आप ऐसे पन्ने पन्ने पलटेंगे एकदम मत सोचो ऐसा आप कोई सारे अमेंडमेंट हो गए जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप तो ऑलरेडी अंडरलाइंड है मार्क्ड है रिसेंट अमेंडमेंट लिखा हुआ है तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय आपको ये ऑलरेडी याद है एग्जाम के दिन हम लोग इंडेक्स देखते जाएंगे कि हाँ ये याद है ये भी याद है ये भी याद है ये भी याद है ये भी याद है इन केस यदि आपको कुछ याद नहीं आया तो फिर वो पेज नंबर रेफरेंस काम आएगा तो ऐसे मत सोचो कि एग्जाम के दिन हमको अमेंडमेंट पढ़ना है हम इतने करके पन्ने जाएंगे और पलटेंगे ये आपको ऑलरेडी याद है इन केस आप भूल गए तो आप उस पेज में जाते पढ़ेंगे इंश्योरेंस चल रही है सर ठीक है ना चलो आगे बढ़े आरसीएम चैप्टर में चलते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट है एक साथ तड़ा तड़ कर लेंगे बहुत सारे अमेंडमेंट है आरसीएम में इतने अमेंडमेंट आ जाए कि क्या बताऊं तुम्हें सिक्योरिटी सॉरी स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम लगता है एक बार देखते जाओ स्क्रीन पे रिमाइंड भी हो जाएगा पूरा चैप्टर स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम लगता है आपको पहले से पता था कोई चेंज नहीं है सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे आरसीएम लगता है कोई चेंज नहीं है रिकवरी एजेंट बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे तो आरसीएम लगेगा कोई चेंज नहीं है सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑथर अरे चेंज आ गया सर्विस प्रोवाइडेड बाय पहले क्या था सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑथर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर और आर्टिस्ट जो कॉपीराइट से रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हैं तो उसमें आरसीएम लगता है इस साल इन्होंने ऑथर को फ्री कर दिया कि भाई साहब ऑथर आप चाहो तो खुद भी जीएसटी दे सकते हो आप चाहो तो आपका रेसिपिएंट भी जीएसटी दे सकता है तो इट इज द ऑथर हु विल डिसाइड कि उसको पर आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा तो जब मैं अपने पब्लिशर को सर्विस दूंगा तो आई विल डिसाइड कि जीएसटी मैं देने वाला हूं कि मेरा पब्लिशर देने वाला है यदि मैं ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो मैं अपने पब्लिशर को क्यों परेशान करूंगा मैं खुद ही जीएसटी दे दूंगा पब्लिशर से पैसे लेके और यदि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं बोलूंगा पब्लिशर भाई साहब आप ही दो भैया मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं हाँ तो ऑथर को पर्टिकुलरली इस रिलैक्सेस में डाला दिया क्योंकि देखो ऑथर सर्विस देते हैं किताब वालों को किताब वाले बेचारे ऐसे ही अनरजिस्टर्ड रहते हैं पब्लिशर है ना उनकी तो किताब एग्जेम्प्टेड है तो उनको तो ऐसे ही अनरजिस्टर्ड है तो उन्हें रिलैक्स किया दिया यार इनके केस में पब्लिशर बोल रहे हम खाली ऑथर के लिए रजिस्ट्रेशन कराए तो फिर बोला अच्छा चलो ऑथर से पूछते थे वो जीएसटी दे देता है तो ठीक है नहीं तो फिर आपको देना पड़ेगा तो ऑथर की सर्विस पे आरसीएम लगेगा कि फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगेगा ये ऑथर विल डिसाइड हाँ देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर फॉल्स अंडर आरसीएम हेडर पढ़ रहा हूं सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर फॉल्स अंडर आरसीएम और फॉरवर्ड मैकेनिज्म एट द चॉइस ऑफ ऑथर ए 10-19 अमेंडमेंट है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू अ पब्लिशर एक्सेप्ट वेयर द ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म एनएचसीआर 1 within the time limit prescribed therein within the jurisdictional CGST SGST commissioner that he exercises the option to pay tax under forward charge and to comply with all the provision of GST Act and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such options वो ये declaration दे रहा है खुद जाके form भर के आ रहा है कि मैं forward mechanism choose करता हूँ और मैं 1 साल के अंदर नाचा तूदी नहीं करूँगा
मतलब एक साल तक मैं ही दूंगा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 3 महीने बाद ये अब मैं नहीं दूंगा उसी से लीजिए, एक साल बाद, एक बार आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एक साल के लिए बैंडिंग हो गया, तो फिर ऑथर विल पे। और यदि ऐसा ऑथर कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरता है तो डिपार्टमेंट पब्लिशर को पता रहेगा, यू आर लायबल टू पे जीएसटी। बात क्लियर? एक बार हिंदी पे पढ़ लेते, ऑथर को जीएसटी नहीं देना, जीएसटी विल बी पेड बाय पब्लिशर। पहला क्लैरिफिकेशन, कोई ऑथर टेंशन मत लो कि अब से उनको देना है, ऑथर को जीएसटी नहीं देना, जीएसटी विल बी पेड बाय पब्लिशर। बट यदि ऑथर रजिस्ट्रेशन करा के खुद जीएसटी देने की लायबिलिटी अपने ऊपर लेता है, देन ही शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर? इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है भाई साहब, लिख लो ना कॉपी में जाके, आरसीएम ऑथर के ऊपर चॉइस है, पेज नंबर लिख लेना, आरसीएम ऑथर के ऊपर चॉइस है। सर ये चॉइस म्यूजिशियन को भी मिला है? नहीं, ये चॉइस सिर्फ ऑथर को मिला है। आवाज बड़े जीटीए सर्विस में आरसीएम लगता है, आप लोग को पता ही है, ये सब रिमाइंडर है। लॉयर की सर्विस पे आरसीएम लगता है, लीगल सर्विस बाय एन एडवोकेट आरसीएम लगता है, ये सब आप लोग को पता ही है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस पे आरसीएम लगता है, आपको पता है। डायरेक्टर अपनी कंपनी को जो भी सर्विस दे उसको पर आरसीएम लगता है, यू आर अवेयर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये भी आपको पता है कि सॉल्ट वाली सर्विस छोड़ दो, SAALT वाली सर्विस छोड़ दो, तो बात बात ही गवर्नमेंट की सारी सर्विस पर आरसीएम लगता है। रेंटिन का भी अलग प्रोविजन है, रेंटिन का प्रोविजन भी अलग है, ये सब पुराने प्रोविजन है इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहा है। SAALT क्या चीज़ है? एस मतलब स्पीड पोस्ट, ए मतलब एयरक्राफ्ट, ए मतलब एजेंसी सर्विस, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और टी फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस, SAALT। गवर्नमेंट रेंटिन, रेंटिन वाले एक बार प्रोविजन पढ़ा देता हूँ, अमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है देख लो, 26/18 को चेंज आया था। गवर्नमेंट रेंटिन की सर्विस किसी रजिस्टर्ड बंदे को देगा तो रजिस्टर्ड बंदा जीएसटी देगा, और रेंटिन की सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को देगा तो जीएसटी गवर्नमेंट खुद देगा। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। ओवरसीन कमिटी बाई आरबीआई को चेंज नहीं है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कोई चेंज नहीं है, यहाँ से चेंज आने शुरू हो जाए, यहाँ से चेंज आने शुरू हो जाए। हिंग्लिश को कैसे यूज करना है मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, वो हाउ टू यूज हिंग्लिश। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हिंग्लिश को ही पढ़ ले रहे, अब खटाखट हिंग्लिश को ही पढ़ ले रहे, बोल रहे हो गया जीएसटी, हो गया हिंग्लिश पढ़ लिया, हो गया। तो यार हिंग्लिश एक इक्विपमेंट आपको दिया गया है जिससे आप थोड़े से चीज़ों को लाइट मोड में कर लो, इसका मिसयूज मत करो यार। मोबाइल एक चीज़ है जिससे तुम्हारे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, उसको मिसयूज करो तो बर्बाद हो जाओ। लो मोबाइल, आओ लो, आओ बर्बाद हो जाओ। हिंग्लिश भी कोई वैसी चीज़ है ये आपको बर्बाद कर सकती है यदि आपने इसका मिसयूज कर दिया, तो यदि फिर एग्जाम में वही लिखा जाएगा, पेन ही नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाओगे। और फिर बैठ के बोलोगे यार क्या किया, स्टैंडर्ड ही खराब हो गया, फिर आप मेरे कॉम्पिटिटर की तरह बोलना शुरू कर देंगे। मेरे कॉम्पिटिटर अच्छे, मेरी बुराई भी नहीं करते, तो चार लोग हैं जो ऐसे ही है वो शुरू हो जाएंगे कि यार ये इंग्लिश क्या कराया, देख अब तो अपने बर्बाद हो जाए। हिंग्लिश को कैसे पढ़ना है देख लो, ऐसे पढ़ना चाहिए इंग्लिश को। कोई भी पैरा आया यदि नीचे हिंग्लिश है तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, तो पहले इसको पढ़ो, आपको चीज़ की हल्की फुल्की आइडिया लग गई, फिर ऊपर जाके लॉ पढ़ो। जैसे हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, यदि फॉरेन का किसी ट्रांसपोर्टर से वेसल के थ्रू गुड्स इम्पोर्ट किया तो फ्रेट पे जीएसटी इम्पोर्टर देगा। फॉरेन के किसी ट्रांसपोर्टर से वेसल्स के थ्रू गुड्स इम्पोर्ट किया तो फ्रेट पे जीएसटी इम्पोर्टर देगा। चलो लेकिन आपको अब लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ का सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय अ वेसल सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, देन द इंपोर्टर विल बी लायबल टू पे जीएसटी।
अब किताब की ब्यूटी थी, थोड़ी मार्केटिंग कर दूं। टेबल बना के हमने बहुत ही अच्छे से दिया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सर्विस। तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल्स फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। हु इज़ द सप्लायर? पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। हु इज़ द रेसिपियंट? कोई भी, ऑब्वियसली इम्पोर्टर। मतलब रेसिपियंट कौन से कोई मतलब नहीं है, बट हु विल बी लायबल टू पे GST? इम्पोर्टर। क्लियर? ये पॉइंट में भी कोई अमेंडमेंट नहीं था, ये पहले से ही था। यहाँ से आपका अमेंडमेंट शुरू हो गया, 15, 16, 17 जो भी है सब अमेंडमेंट है। सर्विस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक। आओ हिंदी में पढ़े पहले। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने बैंक या NBFC को सर्विस दी तो GST बैंक या NBFC दे दी। व्हाट अ रिलैक्सिंग लैंग्वेज यार, हट जाओ वहाँ से, बीमार हो तो मत बैठना। AC के नीचे कोई मत बैठो, कोई ठंड मत खाओ, मौसम बहुत खराब है भाई। सर्विस सप्लाइड बाई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉपरेट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू अ बैंक और टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी देन द बैंक और NBFC शैल बी लाइबल टू पे GST। नेचर ऑफ द सर्विस, सर्विस ऑफ DSA टू बैंक। हु इज द सप्लायर? सप्लायर इज अ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। What is the nature of service? Who is the recipient? Bank or non-banking financial service? Who will be liable to pay GST? Recipient, yani bank. Lekin yadi supplier body cooperative hai, partnership firm hai, LLP hai, then who will be liable to pay GST? Supplier, yani direct selling agent will be liable to pay GST. Haan? RCM to TDR. Eba English par Hindi pad lete hai. Niche ekdam bottom pe. ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पे GST लैंड ओनर नहीं देगा, GST प्रमोटर देगा या डेवलपर देगा। अब एक बार लैंग्वेज पढ़े। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन TDR स्टैंड फॉर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और FSI और लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम एसेट्रा शैल बी शिफ्टेड फ्रॉम लैंड ओनर टू बिल्डर अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। Service supplied by way of transfer of development right of floor space and debts for construction of a project by promoter, then supplier is any person, recipient is the promoter, then the GST will be paid by promoter. Or long term lease, 30 साल के ऊपर की lease है, by any person against consideration in form of salami, lease premium, etc. and a periodic rent for construction of a project by promoter, then the supplier चाहे कोई भी हो GST प्रमोटर देगा। तो जो प्रमोटर लैंड लॉर्ड से ज़मीन ले लेता है, बिल्डिंग ले लेता है लीज पे या फिर लमसम पेमेंट देते, इस पे GST हमेशा प्रमोटर देगा, वो इंडिविजुअल लैंड ओनर बेचारा नहीं देगा। ये आएगा भाई 17वां नंबर। देखो अमेंडमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमेंडमेंट सिक्योरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले कराया। ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट वहीं से थी मैंने, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल। यदि आप कार भाड़े पे देते हो तो GST लगेगा। और इंग्लिश में पहले पढ़ रहे हैं, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का हो या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का हो, किसी कंपनी को रेंट पे दिया तो RCM लगेगा एंड कंपनी विल बी लायबल टू पे GST। सर्विस प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉपरेट दैन द बॉडी कॉपरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे GST। नेचर ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, सप्लायर एनी सप्लायर, रेसिपियंट कंपनी या बॉडी कॉपरेट, दैन द पर्सन विल बी लायबल टू पे GST इज रेसिपियंट। If renting of motor vehicle, notes पढ़ रहा हूँ, if renting of motor vehicle service has been provided to any person other than a body to operate, then forward mechanism shall be applicable and GST payable at the rate 5% with ITC, with ITC only of input service in same line of business. ठीक है, आपको पता है renting of motor vehicle पे GST का ITC नहीं मिलता, rent a cab, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया सेम लाइन ऑफ बिजनेस बोल रहा तो ITC मिल जाएगा। एग्जाम में कैसे आएगा सर ये बताइए ना। हाँ चलो ये बताते हैं, एग्जाम में कैसे आएगा, कॉपी में जाओ, क्या लिखा अभी तक, लाइन से लिख रहे थे, लाइन से लिख रहे थे क्या सारे RCM?
आरसीएम तो ऑथर वाला लिख लिया होता, आरसीएम का डीएसए वाला पॉइंट लिख लिया होता, बस इतना ही लिखना आरसीएम डीएसए, एक लाइन से तो पेज में है, आरसीएम डीएसए, आरसीएम ऑन टीडीआर एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये एग्जाम में छपेगा इसलिए इलस्ट्रेशन दर आ रहा है, ये एग्जाम में छपेगा। Comment, who will be liable to pay GST? RCM chapter chapa hua is bar. Comment, who will be liable to pay GST? Number one. Renting of motor vehicle by an unregistered person to an individual registered अरे time and motion study दिमाग में भी लगाओ, दिमाग में भी टाइम एंड मोशन होता है, खाली बॉडी में टाइम एंड मोशन थोड़ी होता है, दिमाग में भी होता है, लगाया? चलो मुझे नहीं मालूम भाई, क्या बोला आपने, फाइनली आंसर क्या बोला? एंड आंसर इज नॉट टैक्सेबल, क्यों? क्योंकि आरसीएम लगेगा नहीं और सप्लायर देगा नहीं, सप्लायर अनरजिस्टर्ड इसलिए सप्लायर देगा नहीं, और रेसिपियंट रजिस्टर्ड है तो क्या हुआ, रेसिपियंट पे आरसीएम है ही नहीं, यहाँ पे कंपनी पे, ओ हाँ ठीक बोले, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तुम्हारा डलनेस से कारण ऐसा समझना पड़ता है, नहीं तो उठ के चले जाएंगे लोग, अबे बहुत टफ करा रहा, चल चल टू अ कंपनी, आंसर अब तो बोल दो नालायक को, गजब तेवर है भाई साहब, गजब जलवे तुम्हारे यहाँ, मतलब इजी है तो हम बोलेंगे नहीं, क्या ये सब क्या बोले, और टफ है तो बोला होता नहीं है, बोलती बंद, गजब जलवे है भाई, गजब जलवे है। नंबर थ्री, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय a GTA to another GTA, ये कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में, हाँ ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया, GTA की ट्रांसपोर्ट सर्विस पर आरसीएम लगता है भाई साहब, हर सर्विस पर आरसीएम थोड़ी लगता है, जिसमें वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है उस पर आरसीएम लगता है ना, यहाँ पे होती जीटीए सर्विस थोड़ी दे रहा है, मोटर व्हीकल भाड़े पे दे रहा है भैया, ये तो नहीं आता, किसी को नहीं आता, मेरे तो भी नहीं आता, पेंडिंग है, देख लो जीटीए की सर्विस होती तो आरसीएम होता, लेकिन जीटीए जीटीए सर्विस थोड़ी दे रहा है, मोटर व्हीकल भाड़े पे दे रहा है, सोच लो ठाकुर, एच लिमिटेड प्रोवाइडेड renting of motor vehicle to a transporter engaged in providing transport service to students of ABC school, अरे कुछ आंसर आया क्या, हाँ एच लिमिटेड देगा यार, वो ट्रांसपोर्टर खुद देगा,
या एबीसी स्कूल दे रहा, मैं कंफ्यूज हूँ एकदम, मैं एकदम मतलब मैं सम बना देता हूँ फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बोलो बोलो क्या बोलते हो? क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी आपके इसका आंसर हो तो। एट्स लिमिटेड लेट आउट ई व्हीकल, ई व्हीकल टू लोकल अथॉरिटी। बोलती बंद एट्स लिमिटेड लेट आउट, लास्ट है, एट्स लिमिटेड लेट आउट अ मोटर व्हीकल फॉर 14 पैसेंजर्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट एंटिटी। देखा नाम था आरसीएम और पूरा दूसरा चैप्टर उठाते पूछ लिया। कुछ याद आया क्या बच्चों? तो आंसर्स ही नहीं दे रहे, ये तो आंसर्स ही नहीं दे रहे। मैं एक के साथ दो अमेंडमेंट ले आया और ये एडजम्पशन चैप्टर में अमेंडमेंट हुआ था और सारे टॉपिक यहीं से उठाते मैंने डाल दिया। मतलब मोटर व्हीकल आरसीएम में अमेंडमेंट आया और मोटर व्हीकल एडजम्पशन चैप्टर में भी अमेंडमेंट आया है, तो दोनों के मिला के दे जाओ और बच्चे आपस में पूछेंगे कौन से चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का क्या होता है? जीएसटी चैप्टर का है, सर्विस बाय वे ऑफ गिविन ऑन हायर, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को यदि आपने मोटर व्हीकल भाड़े पे दी है जिसमें एक साथ 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं तो वो एग्जेम्प्टेड है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को यदि आपने मोटर व्हीकल भाड़े पे दी है जिसमें एक साथ 12 से बेसी पैसेंजर बैठ सकते हैं तो एग्जेम्प्टेड है। तो फाइनली इसका आंसर आ गया, पॉइंट नंबर 6 का आंसर आ गया एग्जेम्प्टेड। याद आया, ये बहुत पुराना है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर्विस बाय वे ऑफ गिविन ऑन हायर टू अ जीटीए, अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। यदि आप एक जीटीए को लॉरी या टेम्पो या कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाली व्हीकल भाड़े पे देते हो तो वह एग्जेम्प्टेड है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बहुत पुराना है, वर्षों पुराना। तो जिसमें आप शुरू में उलझे वो एग्जेम्प्टेड है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाई जीटीए टू अनदर जीटीए, बाई जीटीए मतलब नहीं है, कोई भी जीटीए को लॉरी भाड़े पे देगा तो एग्जेम्प्टेड होगा। कोई भी बंदा जीटीए को लॉरी भाड़े पे देगा एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्पशन टॉपिक। ये भी तो अमेंडमेंट नहीं है। मोटर व्हीकल, अरे आ जाए यहाँ पे, हाँ, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड सर्विसेज बाई वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट और एग्जेम्प्टेड। लो भैया ये भी इसी में साथ दिया, छप दिया एकदम डायरेक्ट एग्जेम्प्टेड। क्योंकि आपने एक ट्रांसपोर्टर को भाड़े पे दिया था मोटर व्हीकल और वो ट्रांसपोर्टर स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता है, डायरेक्ट सम एग्जेम्प्टेड। एग्जाम आ गया हम लोग हुर्रे करेंगे, अरे मेरा पढ़ाया हुआ में से आ गया। ये अमेंडमेंट है, ई व्हीकल छपेगा ही छपेगा। सर्विस बाय वे ऑफ गिविन ऑन हायर टू अ लोकल अथॉरिटी एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। ये इस साल अमेंडमेंट आया है विद प्लेटफॉर्म 1819। तो किसने किसको क्या भाड़े पे दिया? भैया किसी भी बंदे ने लोकल अथॉरिटी को भाड़े पे दिया एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसमें 12 से बेसी पैसेंजर आ जाते हैं। तो फाइनली एच लिमिटेड लेट आउट ई व्हीकल टू लोकल अथॉरिटी आंसर हो गया। यदि 12 से ज़्यादा पैसेंजर है तो एग्जेम्प्टेड है, 12 तक पैसेंजर है तो
तो टैक्सेबल है। ओ हाँ, अरे खुशी नहीं होते यार, इनके अंदर में डर बढ़ता है, खुशी नहीं बढ़ती। डरो मत, एग्जाम में भी बहुत देरी, ढाई महीना पढ़ेंगे, सब पढ़ पढ़ाते नहीं करेंगे। ये पेज नंबर लिख लो भाई, 8.3, 8.14। छपेगा छपेगा, अपने इंडेक्स में लिखिए, एग्जम्पशंस ऑन ई व्हीकल टू लोकल अथॉरिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स, एग्जम्पशंस टू ई व्हीकल, एग्जम्पशंस फॉर ई व्हीकल टू लोकल अथॉरिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स। हाँ, पेज नंबर 8.14। मैं दोबारा बोलूं, एग्जम्पशंस फॉर ई व्हीकल टू लोकल अथॉरिटी फॉर मोर देन 12 पैसेंजर, पेज नंबर 8.14। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नाइस। इसमें आरसीएम भी आ गया, वो भी आ गया, आरसीएम तो नाम का था, बॉडी तो ऑपरेट तो दिया, किस तो दिया। इसमें आईटीसी भी डाल देंगे, ये सब दे दुआ के बताओ आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूछते रहना कौन से चैप्टर से है, आओ जिसका राइट हुआ चार पांच, एक दो जन जिसका राइट हुआ चार पांच, अरे वाह, तीन चार जन हमारे यहाँ राइट है भाई, बात बात ही डाली ऐसे ही है बस। आओ ब्रेक, अभी तो पढ़ाना शुरू किया हूं, ब्रेक चाहिए ये हमारे यहाँ सिरे हिंदी बोलते कंटिन्यू करिए। 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का खाओ पियो ब्रेक नहीं है, 5 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, घूम आओ। बता दी कि कैसे ऐसे होता है कि स्टूडेंट को चैप्टर नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि स्टार्ट करता है वो लोग चैप्टर आरसीएम से और ले जाके एंड करता है एग्जम्पशंस पे, स्टूडेंट आरसीएम आरसीएम सोचते रहता है, एग्जम्पशन पे एंड हो जाता है। गॉट इट? तो सम की डिजाइनिंग आपने देखा, आरसीएम का अमेंडमेंट आपको क्लियर हुआ मोटर व्हीकल वाला, और एग्जम्पशन का एक अमेंडमेंट क्लियर हुआ जो कि बहुत वाइटल है कि ई व्हीकल भाड़े पे दो दिए किसको, लोकल अथॉरिटी को, जिसमें 12 से ज़्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो वो वाली लेटिंग आउट एग्जम्प्टेड है, लेकिन यदि और किसी को भाड़े पे दो दिए तो वो टैक्सेबल है। चलो अच्छी बात, इसी सीरीज में हम लोग अब अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट में चल रहे हैं, अमेंडमेंट चल रहा है आरसीएम। हमने पॉइंट नंबर 17 कर लिया था कि मोटर व्हीकल चाहे गुड्स का हो चाहे पैसेंजर का हो, आपने यदि बॉडी को ऑपरेट को दिया है तो इट इज टैक्सेबल। सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम ऑफ सेबी, 8/10/19 का अमेंडमेंट है, यदि आप सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी में इंगेज्ड है तो किसी ने भी किसी को भी सर्विस दिया, जीएसटी हमेशा आरसीएम पे जाएगा। सेबी की सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम के अनुसार यदि कोई सिक्योरिटीज लैंडिंग की सर्विस देता है तो जीएसटी आरसीएम में लगेगा, जीएसटी रेसिपिएंट देगा। सर्विस लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सेबी, then the borrower under the scheme shall be liable to pay GST. Here lender means a person who deposits the security registered in his name or in the name of any other person duly authorized in this behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme. And here borrower means a person who borrows the securities under this scheme through an approved intermediary, SEBI. To class vital nahi lekin theek hai, yaad rakhna, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम में आरसीएम लगेगा, आरसीएम गुड्स नॉट इन सिलेबस हमने बता ही दिया। आरसीएम में इतने सारे अमेंडमेंट्स आए थे, आपने देखा मोटर व्हीकल सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, डीएसए ऑथर एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी सर्विस, पांच पांच अमेंडमेंट बैठा है आरसीएम पे, चैप्टर पक्का है एग्जाम में।
ठीक ना, पेज नंबर 8 ये चल रहा है इसलिए मैंने बार बार पेज नंबर नहीं लिखाया। इंडेक्स में लिख लिया आपने सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। अगला चैप्टर उठाता हूँ जिससे एग्जाम में आएगा, पतला वाला आएगा, छपा हुआ है और उस चैप्टर का नाम है कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम पेज नंबर 7.1। पत्रा वाला छपेगा, सबको पता है आरसीएम में एग्जेम्प्टेड सेलिंग क्या है, 75 है कि 100 है कि 150 है, ये लोगों के मन में अभी तक डिबेटेबल चलता है। जबकि बात एकदम सिंपल है कि 100 तो भैया हट गया, अब है या तो 75 है या फिर 150 है। तो कहाँ का 75 है और कहाँ का 150 लाख है, ये बस देख लो आप। तो इन सब 8 स्टेट्स में 75 लाख के बाद आप कंपोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर सकते। कौन कौन से स्टेट, हमने इसे प्यार से नाम दिया है तसुन MMM, टी फॉर त्रिपुरा, ए फॉर असम, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तराखंड, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन सब 8 स्टेट्स में आपका कंपोजिट स्कीम 75 लाख तक ले सकते हो। और बात बात की कोई भी स्टेट हो, चाहे आसाम हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, इन सब में 150 लाख के बाद आप आरसीएम नहीं ले सकते। यानी आरसीएम की लिमिट 150 लाख इन जनरल और 8 स्टेट्स में 75 लाख। याद रहेगा तसुन MMM, TASUN MMM, ठीक है, इन सब में 75 लाख। दूसरा जो इस साल घमासान अमेंडमेंट आया, जो एग्जाम में छोटी सी लाइन से एग्जाम में फंसे रहो क्वेश्चन, उसका नाम है एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर, जो लोग नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। याद आया ये वर्ड, जो गुड्स नोटिफाइड, जो बंदे नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कंपोजिट स्कीम में नहीं आ सकते। नोटिफाइड गुड्स में पहले 3 थे तुम्हारे फेवरेट वाले, एक था आइसक्रीम, दूसरा पान मसाला, तीसरा टोबैको। इस सीरीज में एक पॉइंट और ऐड हो गया, एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर मतलब सोढ़ा, सोढ़ा वाटर। देखो कितना इम्पोर्टेंट है, आज सुबह सुबह बच्चे लोग, तो देखो बच्चे लोग तुम लोग से ज़्यादा एक्वेंटेड है, सुबह सुबह बच्चे लग गए। अच्छा व्हाट्सएप ऑन नहीं है, बच्चे को पता है कि ये सब एग्जाम में आएगा। अरे भाई ऐसे भी क्वेरी आते हैं, एनी सजेशन फॉर डीटी क्लासेस, वाह, एनी सजेशन। खतरनाक लोग है भाई, इन्हें CA CS CMA में सजेशन चाहिए। क्या लिखूं सजेशंस, दम ला के पढ़ो। ओके भाई, बच्चे सुबह सुबह क्वेरी पूछ रहे थे कि क्या एरेटेड वाटर की GST लगेगी क्या, तो हमने बताया कि नहीं भैया, एरेटेड वाटर वो नोटिफाइड गुड्स है इसलिए एरेटेड वाटर पे GST नहीं लगेगी। क्लियर, चलो ठीक है, बात खत्म करो। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम लोग एरेटेड वाटर के ट्रेडर है तो क्या हमारे पे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है या नहीं है? लाउडर लाउडर, हम लोग एरेटेड वाटर के कंपोजिस ट्रेडर है तो कैन ही ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम? एंड आंसर इज यस, एरेटेड वाटर के ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, लेकिन एरेटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। दो भाई, बच्चे पूछते रहते हैं आए दिन, छोटे बात सुबह शाम लगे रहते बेचारे। इज द सप्लायर ऑफ एरेटेड वाटर कैन ऑफ कंपोजिशन स्कीम?
ठीक है, ये इज और कैन का जो कॉम्बिनेशन, आप एग्जाम में बचाना अपने आप को. मैन्युफैक्चर ऑफ एरेटेड वाटर कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्टील, एंड इफ इज अ ट्रेडर ऑफ एरेटेड वाटर कैन ही ऑप्ट, एंड आंसर इज ऑब्वियसली यस, यस ही कैन ऑप्ट. चलो हो गया क्लियर, ये एग्जाम में छपने का बनता है, वो तो ARC वो RTP निकाला होगा, उसमें उससे डाउट आया होगा. बात क्लियर? तो गोल्डन क्वेश्चन आपका आंसर्ड हो गया. एक आपको आई होप सभी को पता है, बहुत पुरानी स्कीम हो गई, नोटिफिकेशन 2019 की स्कीम, फिर भी एक बार बोल के निकलता हूँ वहाँ कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है यदि उनका टर्नओवर 50 लाख तक है तो वो एक कंपोजिशन स्कीम जैसी ही एक स्कीम है, नोटिफिकेशन 2019, उसमें 6% GST देना पड़ता है, 3% CGST, 3% SGST, उससे ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो सप्लायर ऑफ सर्विस हो या सप्लायर ऑफ सर्विस प्लस सप्लायर ऑफ गुड्स दोनों हो, बोलो इस स्कीम में आ सकते हैं. कौन? जो सप्लायर ऑफ सर्विस एंड सप्लायर ऑफ, जो सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स है उसके लिए तो कंपोजिशन स्कीम है ही 150 लाख तक. अच्छा, ये 50 लाख में सर तसुन है मैम और बात बात ही में अलग अलग क्राइटेरिया है? नहीं, 50 लाख यूनिफॉर्म है ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पे भी हो 50 लाख तक हो तो कंपोजिशन स्कीम में, सॉरी 2019 में आ सकते हो. अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा डाउट था लोगों के मन में कि सर जब आपने हमें 18 पढ़ाया था सेक्शन ITC का 18, तब आपने बताया था 18(1)(c), उसमें आपने हमें बताया था कि कोई बंदा यदि सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में आएगा तो उसका जितना, जिस दिन वो अपने आप को कन्वर्ट किया उस दिन उसके पास जितना भी इनपुट WIP एंड फिनिश गुड्स जितना है सबका ITC उसको मिल जाएगा, और जितना कैपिटल गुड्स है उसमें 5% छोड़ के बाद बाकी का भी ITC मिल जाएगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ. तो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 10 से सेक्शन 9 है कि 2019 से भी 9 में आएंगे तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा, एंड आंसर इज 2019 से भी 9 में आओगे तो वही प्रोविजन अप्लाई होगा. सिमिलरली जो आपने 18 सब सेक्शन 4 पढ़ा था उसमें कोई बंदा सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में जाता है तो उसको ITC रिवर्ट करना पड़ेगा, जिस दिन वो अपने आप को कन्वर्ट किया उस दिन जितना भी इनपुट WIP और फिनिश गुड्स है उस पर जितना ITC ले रखा है वो रिवर्ट करना पड़ेगा, और कैपिटल गुड्स में 60 महीने की लाइफ समझते जितनी लाइफ अभी बची हुई है उतने के हिसाब से ITC रिवर्ट करना पड़ेगा. याद आया क्या ठाकुर? तो क्या इसमें सेक्शन 9 से 10 में जाएगा कि 2019 में जाएगा तब भी? तो देर वॉज अ डाउट, लॉ ने इसे बाद में क्लैरिफाई किया, कि सेक्शन 10 से 2009 सेक्शन 9 से 2019 में जाओगे तब भी यही प्रोविजन अप्लाई होगा. हाँ, तो आपने कंपोजिशन स्कीम से 3 बातें सीखी, एक तो एरेटेड वाटर नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट में काउंट हो गया, एक तसुन MMM में 75 लाख, बात बात ये सब में 150 लाख, और एक नोटिफिकेशन 2019 जो 6% वाला GST वाला प्रोविजन था वो सेक्शन 18(1)(c) और 18(4) में कंपोजिशन स्कीम के पैरेलल स्टैंड करता है. हाँ, आपने अपने इंडेक्स में लिख लिया तीनों बातें, मेक योर इंडेक्स पावरफुल मैन. कॉपी में गए, आपने लिखा कंपोजिशन स्कीम पेज नंबर 7.1, 75 लाख तसुन MMM, 75 लाख तसुन MMM, ठीक है. और आपने नंबर 2 लिखा नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, उसमें एक लाइन और ऐड हो गई एरेटेड वाटर. 3 तुम्हारे फेवरेट थे पहले से ही, क्या? कोल्ड ड्रिंक, सॉरी आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला, दारू इसमें आती नहीं है तो तुम्हारा फेवरेट होने के बावजूद इसमें नहीं था, परंतु सोडा और आ गया. वाओ, ठीक है. नंबर 3, अमेंडमेंट नंबर 3, 18(1)(c) एंड 18(4) कवर्स नोटिफिकेशन 2019.
18(1)(c) और 18(1)(4) covers to 2019. Page number 11 point, कहाँ 11 point? कहाँ 11 point? 7 में रहा. चलो page number 11.43. Page number 11.43. अरे यार, मैं दिखा देता हूँ ना, आप क्यों इतने परेशान होते हो, छोटी सी तो बात है. Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under notification 2-2019, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished goods or input contained in finished goods held in stock and on capital goods as if the supply made under this notification attracts section 18(4) of the said act and the rules made thereunder. तो जैसा 18(4) में लिखा हुआ था वो notification 2-2019 opt करने पे apply होगा. ऐसा ही notification और आया हुआ है, तो वही का वही provision जो आपने सीखा था वो 2-2019 पे भी apply होगा. हाँ बोलो, clear है बात? तो खास बड़ी बात नहीं थी लेकिन vital है भाई, सीखने में जोर नहीं आया लेकिन चीजें अच्छी थी. लो भाई, तुम्हारे 3 अमेंडमेंट हमने और करा दिए. कंपोजिशन स्कीम जिंदाबाद. फीफा अंडर 17 इंडिया में हो रहा है भाई, वुमेन फीफा अंडर 17, इसको लेके हमारा देश बड़ा एक्साइटेड है और वही एक्साइटमेंट जीएसटी में झलक रहा है. उन्होंने जीएसटी में लिख दिया कि फीफा अंडर 17 से रिलेटेड जो भी एंट्री फीस है, जो भी सर्विसेज है, इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगी. कैसा बोला इन्होंने, एक बार एग्जम्पशंस टॉपिक में जाना पड़ेगा. एग्जम्पशंस टॉपिक में चलो, आओ एग्जम्पशंस टॉपिक में चलते हैं. एग्जम्पशंस वाइटल है. फीफा अंडर 17 नजर आएगा भाई, किसी को नजर आया क्या? आ जाओ, एंट्री नंबर 9AA, एंट्री नंबर 9AA, पेज नंबर 8.6. सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा. सर्विस प्रोवाइडेड बाय फीफा, नहीं नहीं वापस से, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा एंड इट्स सब्सिडियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप to be hosted in India is exempted. Wow, क्या excitement है, नहीं? Services आपने दी या FIFA under 17 वाले FIFA वालों ने दी या उनकी subsidiary ने दी, directly दे रहे हो या indirectly है, क्या चीज से related है, directly or indirectly related to any of the event, any of the event मतलब जो FIFA under 17 के World Cup 20 से related जो भी event है उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी सर्विस कंसर्न्ड है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है. ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात. ऐसा ही एक फीफा अंडर 17 और था यार, ऊपर अंदर इसके ऊपर एक एंट्री नंबर 9 है भी देख लो. सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा एंड इट्स सब्सिडियरी फॉर फीफा अंडर 17. Service provided by and to FIFA and a subsidiary directly or indirectly relating to any event under FIFA 17 World Cup is to be hosted at GEMT. Director, Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that service are directly or indirectly related to any of the event. यहाँ पे बोला हुआ है कि कौन उसको certify करेगा कि ये directly related है या नहीं related है. तो वहाँ से आपको certificate लेकर आना पड़ेगा. Entry number 82 में जाओ, page number 8.36.
फीफा के जो इवेंट होंगे उसके जो एंट्री फीस होगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर, 500 से ऊपर का टिकट हुआ तब भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट ऑर्गेनाइज अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप आर एग्जेम्प्टेड। जा रहे हो क्या देखने? बुतिन बुतिन लड़ाई है अरे इतने क्रिकेट के दीवाने, वो फुटबॉल के दीवाने, उनसे पूछो, पागल है, हमारे बंगाल में फुटबॉल के दीवाने भरे पड़े हैं। चलो बढ़िया, तो आपने एक पॉइंट और कर लिया। एक छोटा सा पॉइंट और पूछता हूँ अमेंडमेंट के नाम पे, कॉपी में चाहिए। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, एक इलस्ट्रेशन कराता हूं, आईटीसी से रिलेटेड है, वाइटल है भाई, छप भी सकता है, थोड़ा पुराना सा है लेकिन छपने का चांस है, मतलब अमेंडमेंट नहीं है लेकिन अपने तो छपेगा कर रहे हैं ना। आओ देखो, एट्स परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑफ 10 लाख प्लस 18% एंड रिसीव्ड इनवॉइस ऑन 4/7/19 स्टॉप हिज accountant misplaced the invoice therefore he failed to claim ITC thereon wah kahani shuru on 5/8/20 supplier Y raised a debit note of 2 lakh plus 18% in relation to such invoice. पाँच आठ बीस को सप्लायर ने उसी सप्लाई से रिलेटेड एक डेबिट नोट रेज किया इन रिलेशन टू सच इनवॉइस। अकाउंटेंट अगेन मिसप्लेस द सेम एंड Ads failed to claim ITC. On 9/9/21, कहानी चले जा रही है। MCQ है सर, MCQ में जो आप सोच रहे हो कि दो लाइन का क्वेश्चन आएगा और चार तो पॉइंट रहेंगे, वो सबसे बड़ी भूल है। 8 लाइन का क्वेश्चन रहेगा और 4 पॉइंट रहेंगे, तो वैसे तो 1 पॉइंट को टिक करना है लेकिन वो 8 लाइन पढ़ने में टाइम चली जाएगी। और सर आप चिंता मत करिए, हम लोग जय माता दी मारते हैं, वो तब बात अलग है। ऑन 9/9/21 ऑडिटर रेज द पॉइंट, इसलिए अच्छा ऑडिटर से ऑडिट करानी चाहिए, फालतू ऑडिटर थप्पा मार वाला ऑडिटर को इग्नोर मारिए। On 9/9/21, auditor raised the point and traced and identified the mistake.
कैन ही क्लेम आईटीसी, वही पुराना क्वेश्चन, कैन ही क्लेम आईटीसी नाउ? आंसर चार ऑप्शंस, ही कैन क्लेम आईटीसी ऑफ पूरे 10 + 2 = 18%, कितना हुआ? 2,36,000 नहीं, 2,16,000, या फिर 10 लाख पे 1,80,000, या फिर 2 लाख पे 36,000, या फिर निल, नहीं क्लेम कर सकता। दिस सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू यू शुड इमेजिन, ऐसे एमसीक्यू के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये आउट ऑफ 30 एमसीक्यू हो सकता है 7-8 एमसीक्यू या 10-12 एमसीक्यू इस लेंथ के आ जाए। बी रेडी फॉर दिस। और बात ही वो जो 17-18 एमसीक्यू वो वैसे ही आएंगे जैसा आप सोच रहे हो, छोटा छोटा। हाँ चलो, क्या बोला फाइनली आपने आंसर? आंसर नहीं, पब्लिक बोल रहे 36, पब्लिक बोल रहे 36, एंड आंसर इज 36,000. सेक्शन 16(4) इज द गवर्निंग सेक्शन। सेक्शन 16(4) में क्या था कि बहुत सारे डिबेटेबल पॉइंट थे कि आईटीसी हम लोग कब तक ले सकते हैं। तो आपको पता है जिस ईयर से रिलेटेड इनवॉइस है उस ईयर के एंड ऑफ उस ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपका इनवॉइस किससे रिलेटेड है? 19-20, इनवॉइस की डेट ये है 19-20। तो इनवॉइस से अगले फाइनेंशियल ईयर में जाइए और 39-20 तक जो रिटर्न भरने की सी ड्यू डेट है 2010-20 तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और बिफोर फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो सब की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइम लिमिट। तो एक पॉइंट रेज हुआ कि यदि इससे रिलेटेड हम लोग डेबिट नोट बाद में इश्यू करें तो डेबिट नोट इश्यू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, टू बी नोटेड। क्रेडिट नोट इश्यू करने की टाइम लिमिट है, लेकिन डेबिट नोट इश्यू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इसका डेबिट नोट सपोज इस डेट के बाद ही हुआ तो उसका तो आईटीसी देंगे। तो लॉ ने अपने आप को अमेंड किया, आज से काफी दिन पहले अमेंड कर लिया कि डेबिट नोट यदि बाद में इशू होता है तो जिस ईयर में डेबिट नोट इशू हुआ उस ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले पहले। तो अकॉर्डिंगली आपका इनवॉइस कब रेज हुआ? सर इनवॉइस तो रेज हुआ 4/7, आपका इनवॉइस रेज हुआ 4/7/19। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट है, डेट ऑफ इनवॉइस 4/7/19, तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30-10, या चेंज करके बोलते हैं 20-10-20। सिंस आपके ऑडिटर ने पॉइंट रेज किया है 9/9/21 तो आप नहीं ले सकते। लेकिन आपका डेबिट नोट की डेट क्या है? सर डेबिट नोट की डेट है 5/8/20, तो इससे टाइम लिमिट है सर 20-10-21, इसी टाइम लिमिट है ये। और आपके ऑडिटर ने पॉइंट रेज किया 9/9/21 को, तो अभी आपके पास परफेक्ट टाइम है, आप इसी सितंबर महीने का जब रिटर्न भरो तो इस 36,000 का आईटीसी ले लो। सर 36 कहाँ से आया? सॉरी भाई, इसका आईटीसी आप नहीं ले सकते, इसका आईटीसी आप ले सकते हो। ओ ऐसे आया, 36,000 का आप आईटीसी ले सकते हो। कंक्लूजन, मजा आया क्या बच्चों? अरे हाँ ही नहीं बोलते, छपेला कैटेगरी है सर। छपेला कैटेगरी है, एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, ये तो क्वेश्चन आएगा आएगा। अब मैं आपको बहुत सारे अमेंडमेंट एक साथ करा देता हूँ, बहुत सारे अमेंडमेंट, कोई नाचा कूदी नहीं, सीधे पलटते जाओ, अमेंडमेंट होते जाएंगे।
भाई मेरे से पूछ भाई भाई मेरे से पूछ भाई ये चेंज कर लो मैडम, तभी तो अमेंडमेंट क्लास चल रही है आपकी, चेंज कर लो आप उसे। और ये क्वेश्चन आपकी क्लास में भी हुआ था मैडम, तभी वो दो बच्चियों ने राइट आंसर दे दिया। हाँ बोलो, यही का यही क्वेश्चन हुआ था। तो डेबिट नोट खो दिया तो क्या, अब तो ऑडिटर ने पॉइंट रेज कर दिया ना। हाँ तो डुप्लीकेट इनवॉइस निकलवा के ले लो, और क्या है, डुप्लीकेट निकलवाने में टाइम लगता है क्या। टॉपिक में चलिए जम्पसन्स, और मैं आपको लाइन से बहुत सारे अमेंडमेंट एक साथ करा देता हूँ, ना पलटा पलटी ना कुछ, बस चलते जाओ होते जाएंगे। एजम्पशंस एंट्री नंबर 7 में चलिए। पेज नंबर 8.4 होगा, काफी सारे अमेंडमेंट है तो प्लीज थोड़े से अच्छे से इंडेक्स बनाते जाइए। इंडेक्स बनाया लास्ट वाले सम का? अच्छा वो तो इसी सीरीज में लिखे जा रहे हो, ध्यान रखना एग्जाम्स में सारे अमेंडमेंट वही ले जा पाएगा जो अभी समझदारी से अपना सिंसियरली इंडेक्स बनाते हुए सम बना रहा है, ठीक है। हाईलाइटर यूज कर रहा है कि जो भी यूज कर रहा है उसको क्लियर है कि ये सब अमेंडमेंट्स है, ठीक है। एंट्री नंबर 7 सारी क्लासेज अब स्क्रीन पे है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। पांडे जी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एंट्री नंबर 7। इसमें पहले पॉइंट था कि गवर्नमेंट यदि सर्विस देती है स्मॉल बिजनेस एंटिटी को तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। अब आपको पता है स्मॉल बिजनेस एंटिटी यानी वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 20 लाख के अंदर था, लेकिन इस साल सिंस एग्जेम्प्टेड सेलिंग 20 लाख के ऊपर चली गई तो अब ये पॉइंट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया कि जिनका टर्नओवर पिछले साल 40 लाख 20 लाख 10 लाख के अंदर था उन्हें यदि गवर्नमेंट सर्विस देती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस इज जस्ट ए क्लैरिफिकेशन, क्योंकि फील वही है जो पहले साल थी। एंट्री नंबर 7 से बाहर आइए, एंट्री नंबर 17 में आपको करा चुका हूँ फीफा वाली एंट्री। फीफा अंडर 17 के रिलेटेड कोई भी इवेंट हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीफा के किसी इवेंट से रिलेटेड है। अकॉर्डिंगली फीफा के एडमिशन पे यानी फीफा के इवेंट के एडमिशन पे जो एंट्री फीस है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगली एंट्री लेके चलता हूँ, एंट्री नंबर 19A। यदि आप एयर फ्रेट से यदि आप एक्सपोर्ट गुड्स करते हो यानी आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो वाया एयर तो दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। वेसल्स पहले से भी एग्जेम्प्ट था, एयर फ्रेट भी एग्जेम्प्टेड है। पहले इसमें टाइम लिमिट थी 39/21, अब इसको बढ़ा के वापस 39/20 कर दिया, यानी इस साल भी एग्जेम्प्टेड है, लास्ट ईयर भी एग्जेम्प्टेड था, अभी भी एग्जेम्प्टेड है। एयर फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है। आप अपने इंडेक्स पे लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिर देख लो पेज नंबर तो लिखते रहना। एंट्री नंबर 19B, सी फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, एयर फ्रेट हो या सी फ्रेट हो एक्सपोर्ट गुड्स पे दोनों पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी पहले रिस्ट्रिक्टेड था 39/19 पे था, अब इसको 39/20 तक एक्सटेंड कर दिया। एंट्री नंबर 19A ओवर, 19B ओवर, एक्सपोर्ट गुड्स ध्यान रखना। एंट्री नंबर 21B में चलो, जीटीए सर्विस यदि जीटीए गवर्नमेंट को देता है या गवर्नमेंट एंटिटी को देता है, देखो जीटीए सर्विस का बड़ा होती सिंपल सा प्रोविजन है कि जीटीए सर्विस यदि उन 7 लोगों को दी जाती है, कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और सोसाइटी और बॉडी कॉपरेट,
इन सब को यदि जीटीए की सर्विस दी जाती है तो उस पर आरसीएम लगता है। जीटीए की सर्विस एक अनरजिस्टर्ड बंदे को दी जाती है तो वह जम्प्ट होती है। एक रह गया कि जीटीए की सर्विस गवर्नमेंट को दी जाती है तो देर वॉज अ क्लैरिफी, देर वॉज अ नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन। एंट्री नंबर 21 बी लाया, सर्विस प्रोवाइडेड बाई जीटीए टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी विच हैव टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस पर्पजेज शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हाँ, तो वो गवर्नमेंट एंटिटी जो नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं थी लेकिन सिर्फ टीडीएस काटने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, जीटीए यदि उन्हें सर्विस देती है तो दे आर एग्जेम्प्टेड। एंट्री नंबर 22 वेरी वाइटल, ऑलरेडी करा चुका हूँ कि यदि लोकल अथॉरिटी को आपने इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया मेन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सब साथ साथ। एंट्री नंबर 24 बी में चलिए, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज 3919 का अमेंडमेंट है। देख लो हर जगह अमेंडमेंट आता है तो हम लोग डेट लिख देते हैं और ऊपर भी डेट लिखी हुई है जो थोड़े कम अमेंडमेंट वाले हैं 26/7/18 है, तो वो भी आप ध्यान दे लेना यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो। एंट्री नंबर 24 बी, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, तो हो आएगा चावल स्टोरेज किया तो एग्जेम्प्ट, दाल स्टोरेज किया तो क्या हुआ ये पूछेगा, और फिर पूछेगा आटा स्टोरेज किया तो बताओ क्या होगा, दाल चावल आटा तीनों का स्टोरेज, टू बी नोटेड तीनों का ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, दाल चावल आटा तीनों का ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, तीनों का स्टोरेज तो भैया राइस का स्टोरेज तो पहले से ही बोला हुआ है, राइस वेयरहाउसिंग इज एग्जेम्प्टेड। अब इन्होंने दाल और डाल दी, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेज फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल स्पाइसेज कोपरा सुगर केन जैगरी रॉ वेजिटेबल फाइबर्स कॉटन फ्लैट्स जूट एसेट्रा इंडिगो अनमैन्युफैक्चर टोबैको बेटल लीव्स एंड टेंदू लीव्स एंड कॉफी एंड टी एग्जेम्प्टेड। पूरा पढ़ा, आटा नजर नहीं आया, यानी आटे का स्टोरेज टैक्सेबल है। इन दैट सेंस दे विल आस्क, अमेंडमेंट पढ़ लेना कि ये सब नए आइटम्स ऐड हुए हैं इनकी वेयरहाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, वेरी वेरी वाइटल। 24 बी के बाद आप नेक्स्ट एंट्री में आइए, एंट्री नंबर 8 सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी वाली एंट्री में लेते चलता हूँ मैं तुम्हें। एंट्री नंबर 25 आएगा, अरे डिपार्टमेंट को झाड़ पड़ी है इंस्टीट्यूट पूछेगा भाई, इंस्टीट्यूट को बहुत मजा आता है जब डिपार्टमेंट को झाड़ पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं लगता। हाँ बोलो, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जीएसटी नहीं लगता। तो पहले ये जीएसटी वाले क्या कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले अपने इलेक्ट्रिक बिल में मीटर रेंट ले रहे थे, क्या ले रहे थे, मीटर रेंट, उस पर जीएसटी लगा देते और जीएसटी वाले बोलते थे हो मीटर रेंट अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बुला के झाड़ा, बोला एक बात बताओ कि मीटर रेंट क्यों चाहिए, कोई बंदा ऐसे खाली मीटर लेता है क्या, मीटर रेंट इज एकदम पतला वाला इंसिडेंटल टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जब सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्टेड है तो उससे इंसिडेंटल मीटर रेंट भी एग्जेम्प्टेड होगा। ये डिपार्टमेंट को झाड़ पड़ी है कि मीटर रेंट पे अब आपसे जीएसटी नहीं ले सकते। केस स्टडी का नाम देख लो, टोरेंट पावर लिमिटेड, टोरेंट वो डांसर, उसका नाम टोरेंट ही तो फटा, उसका नाम टोरेंट है यार, वो बहुत पावरफुल डांस करता है, नहीं कॉन्टेम्प्रेरी नहीं करता, वो बड़ा पावरफुल डांस करता है, टोरेंट पावर लिमिटेड। हाँ बस वो लिमिटेड, वो एक ही तरह का डांस करता है, टोरेंट पावर लिमिटेड। इस केस में आया कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ मीटर रेंट, अरे क्या मीटर रेंट भी एग्जेम्प्टेड है। ओके, नीचे उतरे, एंट्री नंबर 27 ए में चलो, सर्विस बाई बैंक टू जनधन योजना अकाउंट होल्डर इज एग्जेम्प्टेड। एंट्री नंबर 27 ए, जनधन योजना अकाउंट होल्डर
मोदी सरकार ने 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, हर जगह जा जा के उसकी पब्लिसिटी हो रही है, हमारे एक एक गांव खेड़ों में अब अकाउंट खुला हुआ है। अब इन अकाउंट खुले हुए पे बैंक अपना बैंक चार्जेस ले रही है, वो त्राही माम कर रहे हैं, ये हर महीने हमसे 3 रुपया 2 रुपया बैंक चार्जेस ले लेते हैं, इसका क्या करें। तो मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, 3-4 रुपये तो लगेंगे भैया, उपाय नहीं है, परंतु इस पर GST नहीं लगेगा। जो जनधन योजना में जितने भी अकाउंट खुले हैं उनकी बैंक चार्जेस पे GST नहीं लगेगा, ठीक है। चलो भैया, जनधन योजना नेक्स्ट आगे बढ़े। एंट्री नंबर 29B, CRPF, इसको हमने CAPF भी बोल देते हैं। एंट्री नंबर 29B, भैया देश के अंदर जो पुलिस बैठी है वो लोग भी डिफेंस से कोई कम काम नहीं करती, ये तो मालूम पड़ गया। हाँ, गोली खाने का डर अब सिर्फ जवान को नहीं है जो बॉर्डर पे है, अब तो जो भीतर बैठा वो भी बेचारा गोली खाने का डर लगता है। अभी हमारे पुलिस फौजी क्या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का डेथ हो गया। तो गवर्नमेंट इन सब की लाइफ इंश्योरेंस करा रही है, तो क्या इस लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे GST लगेगा? ऑब्वियसली नहीं, हम कभी नहीं चाहते कि ये सब लगे। वही अमेंडमेंट आया एंट्री नंबर 29B, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाई द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर्स एंड ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न्ड CAPF फोर्स इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। एंट्री नंबर 29B हो गया, एग्जाम में बन सकता है, सेंटिमेंटल है पब्लिक का, पूछ सकते हैं भाई ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन एक नंबर से ज़्यादा तो नहीं भाई, एकदम भी नहीं। एंट्री नंबर 45 में चलते हैं। एंट्री नंबर 45, लीगल सर्विस। लीगल सर्विस में जहां वो बात तो आई है कि लीगल सर्विस भी स्मॉल बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट था, तो ये बात अभी भी कंटिन्यूड है कि स्मॉल बिजनेस एंटिटी में जो 20 और 10 था वहां पे अब 40-20-10 करस्पॉन्डिंग आ गया। ये तो पहले से ही था, मतलब ये तो इम्प्लाइड है। हाँ बोलो। इसमें जो नई बात ये आई है कि यदि लीगल सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए तो इस पर भी GST नहीं लगेगी। लीगल सर्विस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जाए तो इस लीगल सर्विस पे भी GST नहीं लगेगा। हाँ, गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया भाई हमारे ऊपर लीगल केस ज्यादा ही होने लग जाए तो फिर हमारी लीगल सर्विस पे भी GST नहीं लगेगा, हम लोग भी RCM में GST नहीं देंगे, याद रहेगा पतला वाला। एग्जाम में कैसे आएगा? सब फॉल्स मुंडी हिलाते, हाँ याद क्यों नहीं रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। हम लोग कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, और जैसे सम देता हूं पॉज, बहुत अच्छे से सीखते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते। कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, नंबर 1, GTA सर्विस टू गवर्नमेंट, लीगल सर्विस टू गवर्नमेंट, रेंट इन सर्विस टू गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड इन GST लॉ, रजिस्टर्ड इन GST लॉ, रजिस्टर्ड इन GST लॉ, कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, हमने GTA सर्विस गवर्नमेंट को दिया, लीगल सर्विस गवर्नमेंट को दिया और रेंट इन सर्विस गवर्नमेंट को दिया। आपको जब टैक्सेबिलिटी बतानी है तो ये पहले दो बातें बतानी है, क्या ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, और यदि टैक्सेबल है तो डायरेक्ट मैकेनिज्म की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म,
ये तीन बातें आपको दिमाग में रखते हुए बतानी है। चलो बताओ भी फटाफट बताओ। एग्जेम्प्टेड ओके, एग्जेम्प्टेड ओके, आरसीएम ओके। भाई एक बच्ची ने कॉन्फिडेंटली ये तीन आंसर्स दिए, कोई और ट्राई करना चाहता है जिसका डिफरेंट आंसर हो? इसको बोलते यूनिटी। अबे तुम ये लिखा है तो यही होगा और क्या है। अबे भाई तो ये लिखा है, अपने भी ये लिख देते हैं। आजू बाजू मत दे भाई, अपना आंसर बता। तीनों एग्जेम्प्टेड। लो भाई एक तुम्हारे सीनियर ने इसको डिबेट किया, चैलेंज किया, बोल रहे तीनों एग्जेम्प्टेड है। और क्या आना चाहता है जिसके पास दूसरा आंसर हो? चैट, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्योंकि आप बोल रहे हो वो बोला ना ईईटी, तो भैया अपना भी ईईटी है, बस अपना अलग से कोई दिमाग नहीं है। लुक एट पब्लिक आंसर्स ही नहीं आ रहे। मैं इसी प्रॉब्लम से एकदम परेशान रहता हूँ कि इसका क्या इलाज करूँ। उन्हें बोला मेडिटेशन करो, बोलता नहीं कोई नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। एंड आंसर इज miserably फेल, miserably, बहुत तड़प के आप फेल हुए हो। पहला GTA सर्विस टू गवर्नमेंट, दिस इज टैक्सेबल। GTA सर्विस टू गवर्नमेंट में अभी आपने 10 मिनट पहले का अमेंडमेंट पढ़ा था, उसमें था exempted, लेकिन उसमें यह लिखा हुआ था GTA सर्विस टू गवर्नमेंट इज exempted इफ द गवर्नमेंट हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग TDS। जस्ट अभी आपने पढ़ा, यदि ऐसी गवर्नमेंट एंटिटी को हमने GTA सर्विस दी है जिसको ऐसे तो रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं थी, लेकिन सिर्फ TDS काटने के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहा है, तो GTA सर्विस टू सच नेचर ऑफ एंटिटी इज exempted। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ था, इसमें बोला हुआ दे आर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मतलब नॉर्मली रजिस्टर्ड, तो टैक्सेबल। नीचे नोट में भले आप ले सकते थे, हाउएवर यदि उसने सिर्फ TDS काटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो एग्जेम्प्ट हो जाता। वन थिंग रॉन्ग, RCM लगेगा, RCM लगेगा, RCM भी बोलना है, टैक्सेबल है एंड RCM लगेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो। लीगल सर्विस टू गवर्नमेंट एंटिटी, ये तो अभी अभी आपने पढ़ा, दिस इज एग्जेम्प्ट, तालियां बजती रहे, आपका राइट हो गया। एंड रेंटिंग आपने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ, आप तीर पे तुक्का मार दिए। एंड आंसर इज टैक्सेबल एंड फॉरवर्ड मैथमेटिक्स। मैडम गवर्नमेंट हमें रेंटिंग सर्विस देना तो RCM लगता है, हम गवर्नमेंट को रेंटिंग सर्विस देना तो RCM नहीं लगता। एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। GST समझते हैं मगर समझ नहीं पाते। मजा आया? अरे मजा आया सर, टोंट मार रहे थी क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, सच्ची मैं लास्ट क्लास जो बोल चुका हूँ मैं उस बात को एकदम दिल से मानता हूँ कि ढाई महीने बात ही है, ढाई महीने में कोई बंदा तुल जाए कि मेरे को काम करना है तो काम हो ही जाएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज हम लोग एग्जाम से काफ़ी दूर खड़े होकर इसको देख रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है या इसमें क्या क्या करामाते आ सकती है, ये हम लोग इतनी दूर खड़े होते देख रहे हैं, इसलिए आपको झलसने की कोई चांस ही नहीं है। आप आराम से देखिए, समझिए और उस तरीके से प्रिपरेशन करिए और धोखे में मत रहिए। मेरी क्लास में से आएगा तो मेरी क्लास में से तो आया, समझे ना ये बात? तो जितने भी बंदे बात बोलते हैं मेरी क्लास में से आएगा तो वो सही बोल रहे हैं परंतु धोखा है, मेरी क्लास में से तो आया, तीनों पॉइंट मैंने पढ़ाए थे। हाँ बोलो, तो मेरी क्लास में से तो आया, मैं तो लिखूंगा 100% पेपर आउट ऑफ माई क्लासरूम, परंतु उससे क्या होता है, बच्चे से थोड़ी हुआ आपके, समझे समझे। ढाई महीने है बच्चों, जिसको भी पढ़ो थोड़ा सा और डेप्थ में जाते पढ़ो। चलो चलो सर, आप बहुत बहुत डराते हो हम लोग को, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 14 था क्या? पीछे जाना मैडम, रेंटिंग वाला
नहीं पढ़ा है तो नॉर्मल रही ना, मतलब यदि मैं पूरी दुनिया थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, आपको इतना तो पढ़ाया हुआ थी रेंट इन इज टैक्सेबल, आरसीएम में पढ़ाया आपको ये चीज, नहीं पढ़ाया तो बस ठीक है टैक्सेबल। अब मैं आपको ये भी तो नहीं पढ़ाया कि ट्यूशन सर्विस में फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगता है, तो मैंने कब बोला ट्यूशन सर्विस पर आरसीएम लगता है, इसका मतलब पढ़ाया मैंने है ना, रेंट इन इज टैक्सेबल, आरसीएम में कवर्ड नहीं है, एग्जम्पशन से उसके ऊपर कुछ है नहीं, आप मन से उसके ऊपर एग्जम्पशन डाल दिए आपकी गलती, आपने मन से उसके ऊपर आरसीएम थोप दिया आपकी गलती, मैंने थोड़ी पढ़ाया था आरसीएम और एग्जम्पशन ऐसा। हाँ ओके तेरा बच्चा भी चैलेंज कर दिया, बोला आपके पेपर में से कहाँ आया, ये आप पढ़ाए थे कब पढ़ाए बता, अभी चैलेंज सामने सामने चैलेंज कर दिया। अरे मैडम मैं तो कभी नहीं बोलता मेरे पेपर में से आएगा, लेकिन ये बात हमेशा तय है सबको पता है मेरी कॉपी के बाहर कभी कुछ नहीं आता। एक सेकंड ना, एंट्री नंबर 14 देख लेते, क्योंकि और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सब मेरे से यूट्यूब में और मेरे से फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड रहना, क्योंकि मेरा काम अभी भी चल रहा है, आप लोग भले ही मेरे पास नहीं आ रहे हो लेकिन मैं आप लोग के लिए काम अभी भी कर रहा हूँ सर, तो लास्ट मोमेंट तक कनेक्टेड रहना। एंट्री नंबर 14 में जा रहा हूँ, ओ ये तो तरा दिया था, होटल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वी हैव डन। एंट्री नंबर 21B करा दिया क्या, 21B हो गया पतला। एंट्री नंबर 77 में चलिए, एंट्री नंबर 77 में चलिए, धीरे धीरे जा रहे सेवेंटी सेवन ए है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें एक टेबल बनाते, देखिए सर्कुलर को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ये क्वेश्चंस थोड़े से वाइटल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इजी है एंड वाइटल है। इजी है एंड वाइटल है, सब साथ में, सारे पॉइंट आपको आते हैं फिर भी आप देखते जाइए। पहला इसमें क्या क्या बातें कवर है मैं एक बार अपने वॉइस में बता दूं, अपनी भाषा में बोल दूं, फिर आप इसको पढ़ेंगे। पहली बात, यदि एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स से 8,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस लेती है तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, आंसर इज लगेगा। 8,000 रुपये लगेगा कि 500 रुपये लगेगा, आंसर इज पूरे 8,000 रुपये जीएसटी लगेगा। दूसरी बात जो इस बार रेज हुई और जिसका इन्होंने सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन भेजा कि जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका खुद का एनुअल टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तब भी क्या जीएसटी लगेगा, तो इन्होंने क्लैरिफाई किया नहीं, यदि आपकी एसोसिएशन का एनुअल टर्नओवर 20 लाख के नीचे है तब तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं हो, देन यू आर नॉट लायबल टू पे जीएसटी। फिर उन्होंने छोटी छोटी बातें और पूछ ली कि मेंटेनेंस हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग कार पार्किंग चार्जेस लेते हैं, हम लोग उसमें कई बार लेट पेमेंट का फीस लेते हैं, तो क्या उन सब पे भी जीएसटी लगेगा, वो सब जोड़ जाड़ते जीएसटी लगेगा, तो इन्होंने क्लैरिफाई किया यस वो सब जोड़ जाड़ते जीएसटी लगेगा। RWA इज अ गोल्डन टॉपिक एग्जाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है, इस पर अभी जुलाई महीने में एक अमेंडमेंट मतलब सर्कुलर आया क्लैरिफिकेशन, तो सब बच्चों को देखते जाना चाहिए। Let's read it. The society collects the following charges from the members on the quarterly basis as follows. Property tax as per municipal corporation. तो भैया municipal corporation का जो tax है वो ज़्यादातर individual flat के अपने अपने नाम पर आता है ना, तो यदि association आपसे municipal tax का payment लेती है तो literally आपका जितना आया है उतना आपसे लेके जमा कर देती है, लेकिन वो municipal tax corporate एसोसिएशन का म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, वो आपके फ्लैट का म्युनिसिपल टैक्स है। तो भैया वो तो आपसे लिया और उतना ही जमा कर दिया, वो तो प्योर एजेंसी हो गई,
इसलिए म्युनिसिपल टैक्स का बिल यदि आपके नाम पे है और एसोसिएशन के स्टाफ आते आपसे लेके डिपार्टमेंट को जमा कर देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। बात समझ में आ रही है? दूसरा, वाटर टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो भैया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो वाटर टैक्स लेती है वो भी वैसे ही हो गया जैसा म्युनिसिपल टैक्स है। नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, भैया ये सब तो आपसे टैक्स ले रहे हैं और गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं, ये सब बिल आपके नाम पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, तो भैया किसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज? हमारी कॉमन स्पेस का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ले रहा हूँ तब तो वो वैल्यूएशन में ऐड होगा, लेकिन यदि आपके घर का पर्टिकुलर आपके फ्लैट का जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपसे लेते यदि हम लोग गवर्नमेंट को जमा करते हैं तो वो हम आपसे कोई चार्जेस थोड़ी ले रहे हैं, वो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिंक इन फंड मैंडेटरी अंडर द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ सिंक इन फंड बनाती है कि बिल्डिंग में हर 10 साल बाद रन कराना पड़ेगा, तो एक साथ 10 साल बाद आपसे पैसे मांगेंगे, लाख लाख रुपया दीजिए तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो एक काम करिए हर महीना 1000-1000 रुपया दीजिए ताकि वो बिल्डिंग का फंड एक्यूमुलेट हो जाए, तभी ताकि कभी इलेक्ट्रिसिटी क्लर कराना हो, रिपेयर कराना हो तो आपको पछापना है। तो ऐसा कोई सिंकिन फंड के नाम पे आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो दैट इज लायबल टू जीएसटी बिकॉज वो कॉमन सर्विस है, आपके फ्लैट की थोड़ी है, वो तो पूरे बिल्डिंग की रिपेयर हो रही है, तो दैट विल बी लायबल टू जीएसटी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड सेम है, लायबल टू जीएसटी। कार पार्किंग चार्जेस लायबल टू जीएसटी। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेज, फ्लैट बंद रहोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो लायबल टू जीएसटी। सिंपल इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑब्वियसली लायबल टू जीएसटी, क्योंकि इंटरेस्ट और लेट फीस इज लायबल टू जीएसटी। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। नीचे उतरे, एज पर गाइडलाइंस ऑन मेंटेनेंस चार्जेस अप टू 7500, ये थोड़े दिन पहले 5000 था, इसको बढ़ा के इन्होंने 7500 किया है। ये 7500 तक मेंटेनेंस है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और 7500 से ऊपर है तो पूरे 7500 पे जीएसटी लगेगा, मतलब पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। चलो आगे बढ़े, एक बार इस राइट हैंड साइड को पढ़ने का मन हो रहा है, देख लो। दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली द रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेज और शेयर अप टू एन अमाउंट अप टू 7500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन। इसमें छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही है, सपोज मेरी बिल्डिंग में मेरे तीन फ्लैट हैं और मैं तीनों फ्लैट को मिलाते रहता हूँ, ठीक है, तो एक फ्लैट का मेंटेनेंस आता है सपोज कोई 4000 रुपया, लेकिन मेरे तो तीन फ्लैट है भाई, तो मेरा मंथली मेंटेनेंस 12000 रुपया आ जाता है, तो क्या मेरे ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो देयर वाज अ डाउट, क्योंकि तीनों में मैं ही रहता हूँ, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर है 7500 रुपया पर यूनिट है, पर फ्लैट ओनर नहीं है, 7500 पर यूनिट है, पर फ्लैट ओनर नहीं है, ठीक है। मंथली मेंटेनेंस ऑल अबव चार्जेस आर बिलो 7500 बट ईयरली टोटल कलेक्शन एक्सीड्स 20 लाख। ये उल्टा पूछ रहा है कि मेरा मंथली मेंटेनेंस तो 7500 से नीचे है लेकिन मेरा एनुअल कलेक्शन 20 लाख से ऊपर है, तो भैया जब तक मंथली मेंटेनेंस 7500 से नीचे है तब तक तो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, और एग्जम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर भी हो जाए तब भी तो एग्जम्प्टेड है, लेकिन यदि मंथली मेंटेनेंस आपका 7500 से ऊपर है और एनुअल सप्लाई 20 लाख के अंदर है तब भी आपको जीएसटी नहीं देना। हाँ चलो, डू यू नो पढ़ लो भैया, 22/7/19 का सर्कुलर को हमने डू यू नो बनाते डाला है। इफ मेंटेनेंस अमाउंट एक्सीड 7500 पर मंथ पर फ्लैट देन इंटायर अमाउंट शैल बी लायबल टू जीएसटी। देखो पर मंथ पर फ्लैट है, पर ओनर नहीं है। इफ सोसाइटी एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख देन इंस्पाइट मेंटेनेंस इज मोर देन 7500 पर मंथ स्टिल इट शैल बी एग्जेम्प्टेड। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन विच इज लायबल टू पे जीएसटी शैल बी एलिजिबल टू क्लेम ITC ऑफ इट्स इनपुट इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। लिमिट ऑफ 7500 पर मंथ इज एप्लीकेबल टू ईच रेसिडेंशियल यूनिट सेपरेटली, हेंस इफ अ पर्सन परचेजेज टू फ्लैट्स हिज मेंटेनेंस अप टू 15000 इज एग्जेम्प्टेड। वाओ क्या बढ़िया लिखा है। हाँ चलो भाई, ये क्वेश्चन बनता भाई, ये करो, मतलब ये तो छपेला वाला कैटेगरी है। कुछ और बताते तुम्हें, एक आधे पॉइंट और बताते फिर छोड़ते। हाँ
जितने अमेंडमेंट हो जाए भाई, दिन भी रात हुई काउंटिन कर भी रहा है। मेरे अनुसार ये 44 ऐसे अमेंडमेंट हो जाए आज अपने, कितने छोटे छोटे कराए जा रहे हैं। आज का लास्ट, ठीक है, फिर रिकैप भी तो कराना है ना। आज का लास्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एमसीक्यू में बनता है भाई। लो मैं तुम्हें सीधा एमसीक्यू पूछता हूं, लो देखो ना। इनमें से किसको ई इनवॉइस देना जरूरी है, इनमें से किसको ई इनवॉइस देना जरूरी है, इसमें से किसको ई इनवॉइस देना जरूरी है, हु इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस। ऑप्शंस बैंक, इंश्योरेंस, सिनेमा हॉल। इतनी जल्दी क्या है गोरी, मल्टीप्लेक्स। एंड आंसर इट्स मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल वालों को ई इनवॉइस इश्यू करना जरूरी है, सिनेमा हॉल को नहीं, सिर्फ मल्टीप्लेक्स वाले को ई इनवॉइस, ई टिकट देना जरूरी है। लिटरली लैंग्वेज ये है कि मल्टीप्लेक्स वाले जो ई टिकट इश्यू करते हैं, दैट इज ट्रीटेड एज इनवॉइस। मल्टीप्लेक्स वाले जो ई टिकट इनवॉइस इश्यू करते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। देखो आज हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए, ज़्यादातर हमें याद थे, लेकिन आपने देखा याद होना अलग बात है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल हैंडल करना अलग बात है। ऐसे आ जाए तो हम लोग संभाल ही लेंगे, ऐसे भी आएंगे, 30 में से 20 ऐसे भी आ जाएंगे, लेकिन 10 वैसे भी आ जाएंगे। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, हो सकता है रेशियो चेंज हो जाए, 10 ऐसे आ जाए, 20 वैसे आ जाए, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अभी अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा रिकैप बनता है। कल इतना सारा रिकैप एक साथ डालने चाहिए ना, तो रिकैप ही बोरिंग हो जाएगा। कौन मदद कर रहा है मेरी ये सब बताने में।